हेलो क्लास, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया चैप्टर 6 के बारे में। उसमें भौतिक परिवर्तन था, रासायनिक परिवर्तन था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें हमने आपको पूरी डिटेल आपको बताई थी, ठीक है। कौन से परिवर्तन होते हैं जो पाए जाते हैं और कौन से परिवर्तन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में बताई। आज हम चैप्टर 7 आपको बताएंगे। चैप्टर 7 का नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु और मौसम के अनुसार जंतुओं में अनुकूलन किस तरीके का होता है या जंतु किस प्रकार अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको चैप्टर 7 में बताएंगे, ठीक है। तो हमारी जो पहली हेडिंग है वो है मौसम। मौसम होता क्या है, मौसम को वेदर कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मौसम क्या होता है, ठीक है। जैसे बहुत जो हमारा भारत देश है उसमें विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं, चाहे वो हम सर्दी की बात करें, गर्मी की बात करें या बरसात की बात करें, ठीक है। इस तरीके से मौसम क्या होता है, निरंतर चेंज होता रहता है, ठीक है। और उसी के वो जैसा भी मौसम आता है उसको हम अपने आप को क्या करते हैं, उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं। सर्दी का मौसम है तो उस तरीके से हम ढल जाते हैं, गर्मी का मौसम होता है तब हम ढल जाते हैं उसी तरीके से, या बारिश का मौसम होता है तब भी हम उसको अपने अनुकूल या उसके अनुकूल हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो मौसम की अगर हम बात करें तो वेदर होता क्या है, अगर डिफाइन करें एक परिभाषा के तौर पर अगर हम बात करें तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल का प्रतिदिन की परिस्थिति जो चेंजमेंट होती है, जो बदलाव होता है, वही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है, ठीक है। जैसे गर्मी का सीज़न होता है तो क्या होता है, अचानक आंधी तूफान आने लगता है, या बारिश में होता है तो कभी बारिश धीमी होती है, कभी एकदम बहुत तेज हो जाती है, या सर्दियों में होता है कि ओले टाइप भी पड़ जाते हैं, ठीक है, ओले गिरने लगते हैं या बर्फ गिरने लगती है। तो ये क्या है, मौसम के अनुसार ही ये इधर उधर चेंजमेंट होता है, और इसी के कारण ये क्या होता है, जितनी भी परिस्थिति होती है चाहे वो अच्छी हो और चाहे बुरी हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मौसम के अनुरूप भी होता है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है, ठीक है। क्या है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि की परिस्थिति में जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मौसम के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद कौन से मौसम किस तरीके के होते हैं, जैसे अगर हम कहें कि जैसे आप लोग टीवी में देखते होंगे न्यूनतम तापमान कितना हुआ, अधिकतम तापमान कितना हुआ, जैसे गर्मी में हम बात करें तो अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, और न्यूनतम बहुत ही मान लीजिए केवल 39-40 तक ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, उसमें आर्द्रता के कारण, वर्षा के कारण, या बहुत ज़्यादा जो धूप है उसके कारण, या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो क्या है, जो तापमान होता है वो अधिकतम और न्यूनतम बदलता रहता है प्रतिदिन, वो क्या होता है, उसमें चेंजमेंट आता रहता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम कुछ बात करें, मान लीजिए हम मौसम की बात करें, जनवरी के दिन में, जनवरी जो होती है, ठीक, जो जनवरी में है ये क्या है, महीना है, ठीक है। और यहाँ बात हम न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें, न्यूनतम तापमान, और यहाँ लिखते हैं अधिकतम तापमान, ठीक है। तो क्या है, यहाँ न्यूनतम और अधिकतम तापमान, जनवरी का जो मौसम होता है वो कैसा होता है, सर्दी का मौसम होता है, उसमें ठंड का मौसम होता है, ठीक है। उस समय जो न्यूनतम तापमान होता है वो क्या हो, कैसे होता है, और अधिकतम तापमान है वो कैसे होता है। जैसे हम जनवरी की बात करें तो जो हमारा न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री तक या -2 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ठीक है, इतना क्या होता है, चला जाता है। लेकिन इसका अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम जो तापमान है वो 4.7 तक ही रहता है, ठीक है, 2 कह दें या 2.1 कह दें, ये क्या है, माइनस में चला जाता है। माइनस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड, ठीक है, 0 से नीचे अगर कोई भी डिग्री जा रही है तो बहुत ज़्यादा उसमें ठंड लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जैसे जितने भी बर्फीली इलाके हैं, ठीक है, चाहे कश्मीर की बात कर लें, कहीं भी हम कहें, तो वहाँ पास अधिकतर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में ही रहता है, ठीक है। चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ पास हमेशा बहुत अधिक यही चीज़ देखी गई है कि जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में ही होता है, ठीक, दिसंबर जनवरी के महीनों में,
अगर हम वही फरवरी की बात करें, फरवरी में जो ठंडी होती है वो थोड़ी कम पड़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो फरवरी का अगर हम बात करें तो वो क्या है 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब इससे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। और अगर इसमें हम बात करें तो ये 7.5, 7.6 इस तरीके से ये आगे पहुंच जाता है, ठीक है। मार्च महीने की अगर हम बात करें, मार्च में क्या होता है, गर्मी का सीजन थोड़ा थोड़ा आने लगता है, ठीक है। तो उस समय जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो हमारा न्यूनतम तापमान होता है, ठीक है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो पहुंच जाता है कितना, 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इसी तरीके से अप्रैल में होता है, मई में होता है। अब जून की अगर हम बात कर लें, जून में क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो जून में जो न्यूनतम तापमान होता है वो 14.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 29.3 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, या इससे भी और ज़्यादा हो जाता है। हमने बताया है कि गर्मी में क्या है, जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री तक भी, या 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, जो अधिकतम तापमान होता है, ठीक है। अब अगर हम जुलाई महीने की बात करें, जो जुलाई महीना है, जुलाई महीने में क्या होती है, बारिश होने लगती है, ठीक है। बारिश का सीज़न आने लगता है, उस जुलाई सीजन में क्या होता है, जो हमारा न्यूनतम तापमान होता है वो कितना हो जाता है, 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो वो पहुंच जाता है 30.6, 30.7 इस तरीके से ये आगे पहुंच जाता है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ वातावरण में चेंजमेंट आता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मौसम है, मौसम में भी बदलाव होता है, और मौसम में के बदलाव के कारण ही जो तापमान में परिवर्तन होता है वो सारी चीज़ें इस तरीके से उसमें होती है, ठीक है। ये हमारा एरिया अगर हम बात करें तो ये कहाँ क्या है, कश्मीर की है, ठीक है। ये कश्मीर में इस तरीके का सीज़न पाया जाता है। यही अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है सर्दियों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री, जो न्यूनतम होता है वो 4 डिग्री तक जाता है, माइनस में नहीं होता है, ठीक है। माइनस का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पास माइनस का मतलब ये भी हो जाता है कि जो पानी होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। तो इसमें यूपी में जो होता है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री, 5 डिग्री या कभी कभी 3 डिग्री इस तरीके से आता है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, किसके मुकाबले, जम्मू और कश्मीर के मुकाबले, ठीक है। और इसी तरीके से अधिकतम तापमान भी इसी तरीके से होता है, ठीक। तो हमने यहाँ बात करी मौसम के बारे में, और कश्मीर है, ये एरिया कौन सा है, जम्मू और कश्मीर का एरिया, ठीक है, जिसमें न्यूनतम तापमान कितना होता है, कितना हो जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है, और जो अधिकतम तापमान है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, हैव अ गुड डे।